अंडा, घी, दूध, मक्खन, मांस, इनमें पस्ता, वसा का बात, भोजन में इनके सेवन से मिलती ऊर्जा हमको खाती। हम अटल आदर्श बंगाली बालिका विद्यालय में जहां पर 21 स्कूलों के ये साइंस लैब का उद्घाटन किया गया है। हमारे साथ मौजूद है NDMC के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी। सर, कितने लैब्स का उद्घाटन किया गया? देखिए, आज उपराज्यपाल महोदय ने, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जन्मदिन है और इससे अच्छा आज कोई काम शिक्षा के क्षेत्र में जो हमने किया है, आज उपराज्यपाल महोदय ने 21 स्कूलों के 41 लैब्स का उद्घाटन किया है, जिसमें साइंस की लैब भी हैं, बायोलॉजी की लैब हैं और सोशल साइंस की लैब है। लगभग होम साइंस इसको हम बोलते हैं, लगभग 32,000 बच्चों को इससे लाभ मिलेगा। यहाँ पर कितने बच्चों को लाभ मिलेगा? यहाँ पे जहाँ पर 21 लैब का उदाहरण क्या है, कितने लैब का उदाहरण? यहाँ 800 बच्चे हैं जिनको लाभ मिलेगा, बाकी टोटल कुल मिलाकर 32,500 के आसपास बच्चों को इन लैब से लाभ मिलेगा। आगे क्या प्लान है आप लोगों का इस तरह के स्कूलों का मॉडिफाई करने के लिए? देखिए, ये NDMC शिक्षा के क्षेत्र में बहुत शानदार काम कर रहा है और इसमें हमारा जो लक्ष्य है, किस तरह से हम डिजिटाइजेशन को और आगे बढ़ाएँ, और अभी एज इट इज़ हमारा जो रिज़ल्ट है वो 98% आता है। आज प्रतिभाशाली बच्चों को भी हमने पुरस्कृत किया है जिनके 91 से 99% तक के मार्क्स आए हैं, तो लगातार शिक्षा के स्तर को NDMC आगे बढ़ा रहा है। ये थे हमारे साथ NDMC के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी, जिनका कहना है कि और आज हमारे LG साहब ने NDMC के 21 स्कूलों के 41 लैब का उद्घाटन किया है। दिलीप कुमार शर्मा, समाचार वार्ता, दिल्ली।